नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 8 मार्च 2023 बुधवार का दिन है और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष आज प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है आज उत्तरा फाल्गुनी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:58 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी सुबह 8:46 तक सिंह राशि पे। इसके बाद कन्या राशि यानी स्वयं की आपकी राशि में गोचर कर जाएंगे, जो पूरे दिन और रात्रि भ्रमण करेंगे। आज का जो अशुभ समय होगा तकरीबन होगा शाम 5:59 से लेकर शाम 6:57 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएँ आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, और यह प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज खुशियां दस्तक दे रही है। आज खुशी से पागल हो जाओगे। आज होली का महापर्व है। होली खुशियों का त्यौहार है, रंगों वाली होली, जो हम एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करते हैं, दुश्मन शत्रुओं को भी अपने गले लगाते हैं और अपने लोगों को भी इस दिन उनके साथ प्रेम से मिलते हैं। तो आज होली का महापर्व है, इसलिए कन्या राशि को खुशियां मनाने का दिन रहेगा आज के दिन। आज खर्च ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इनकम भी बढ़ेगी लेकिन खर्च ज़्यादा होंगे। आज किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आपके घर में आना जाना बना रहेगा। कन्या राशि को आज बहुत ही खुश नजर आएंगे, क्योंकि आज तमाम तरह के धन की प्राप्ति होगी। भविष्य की योजनाओं पर काम कर सकते हैं। होली का पावन पर्व, आज से ही नए साल की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार कन्या राशि को आज जो कि चैत्र माह यानी चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि है और होली का पर्व, इसलिए आज से नए साल की शुरुआत होती है और आज से नए संवत की भी शुरुआत होती है। तो आज के दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं आज के दिन। कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग इस बार की होली पर, कई सारे अमृत सिद्धियोग सर्वार्थ सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग बना रहा है। तो कन्या राशि को आज खुशी ज़्यादा मनाएंगे। आज कई क्षेत्रों से गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। परिवारजनों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में आज प्रमोशन के योग, सैलरी में वृद्धि, साथ ही साथ प्रतिष्ठित जो अधिकारी हैं उनसे आज सहयोग की प्राप्ति होगी। उच्च अधिकारी आज आपके कार्य क्षेत्र से काफ़ी खुश नजर आएंगे। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। भविष्य में कितना कौन क्या काम करना है, इसका आप योजना बना सकते हैं घर परिवार में मित्रों के साथ। बैंकिंग के क्षेत्र में लाभ होगा। कारोबार का विस्तार करेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की की योग करेंगे। कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी। आज अपने स्टाफ के साथ संतुष्ट नजर आएंगे और कोई नया कार्य मिल सकता है आपको। आपके जो बॉस हैं, आपके जो स्टाफ है, वो आपके इस कार्य से सहमत होंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि सर्दी जुकाम से प्रभावित हो सकते हैं। सर दर्द हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी, स्किन संबंधी समस्या होगी, क्योंकि होली का त्यौहार है तो रंग भी आप लगाएंगे, तो रंगों से थोड़ा सा बचे, वरना एलर्जी की समस्या, पुरानी स्किन संबंधी समस्या हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, हालांकि खुशियां मनाएं लेकिन रंग थोड़ा सा कम लगाएं। कन्या राशि को आज आपको कई क्षेत्रों में लाभ होगा। स्टाफ के साथ जो आप यानी कि जिनके साथ पार्टनर में काम करते हैं उनके साथ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। विस्तार से कोई महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। आधे अधूरे कार्यों को पूरा करने का मन बना सकते हैं। लगातार आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना तो वो कार्य भी बनता नजर आएगा। कुछ ऐसे कार्य बनेंगे जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे। धन संपत्ति का लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। कारोबार का विस्तार होगा। कुछ अच्छे निर्णय डिसीजन लेंगे। परिवारजनों का साथ मिलेगा, मेल मिलाप बना रहेगा। साथ ही परिवार की मदद आपको और पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज आपको अपने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और उनका साथ मिलेगा, और मित्रों से जो आप पहले अनबन चल रही थी या फिर दूरियां थी वो नज़र आई थी, वो अब दूर होगी। और आज किसी की आप मदद कर सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आपके घर में आना जाना बना रहेगा। आज धन का लाभ हो सकता है। आज आपको अपने जीवन साथी से भी कोई उपहार मिल सकता है, और आज आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, गले लगाएंगे, उनसे खुशियां मनाते नजर आएंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यदि पहले से कोई मनमुटाव था तो आज खत्म होगा, और आज आपको अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आज आपको
आपके कार्य क्षेत्र में कोई नई उपलब्धियाँ प्राप्त होंगे, सपने पूरे होंगे। बिजनेसमैन जो लोग हैं, जो लोग बिजनेस व्यापार कारोबार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज कहीं पर भी धन इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ होगा, भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे। अविवाहित जातकों के रिश्ते अच्छे रहेंगे और जो अविवाहित जातक हैं उनके नए रिश्ते आएंगे, नए शादी विवाह की चर्चाएँ होंगी, नए घर का निर्माण कर सकते हैं, नए कार्य शुभारंभ कर सकते हैं, किसी भी जमीन प्रॉपर्टी का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, जो कार्य अभी तक अधूरा था, पेंडिंग था, उसे पूरा करेंगे। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे, आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, व्यापार में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे और अच्छे कार्यों में उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। लंबे समय से पेंडिंग काम अधूरे उन्हें पूरा करेंगे, जीवन साथी का सपोर्ट प्राप्त होगा, घर परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे, आज अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे। कन्या राशि को आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, संतान की प्राप्ति के रूप में बड़ी गुड न्यूज प्राप्त होगी, बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, संतान की चाहत, संतान की मनोकामना पूरी होगी, घर के लिए ज़्यादा समय देंगे, घर में आज ज़्यादा समय बिताएंगे क्योंकि आज होली का महापर्व है, होली का त्यौहार है, तो आज के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। आज कुछ आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही आज खर्च भी बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक क्षेत्र में कोई लोन वगैरह मंजूर होंगे जिससे आज आपकी आर्थिक स्थिति और यानी कि लाभ होगा, जैसे कि लोन के मंजूर होने से और भी ज़्यादा लाभ होगा। और साथ ही साथ आज प्रेम जीवन में खुशियाँ, लव लाइफ अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को आज कुछ गिफ्ट और उपहार देते नजर आएंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते नजर आएंगे। आज प्रेम जीवन में खुशियाँ रहेंगी, एक दूसरे का सपोर्ट कहीं यानी आज आप कुछ उपहार स्वरूप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, उपहार स्वरूप कुछ दे सकते हैं, हालांकि शॉपिंग करने का आज समय नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आज एक दूसरे को कुछ गिफ्ट वगैरह जरूर देंगे। आज के दिन अच्छा रहेगा और आज शिक्षा में सुधार होगा, कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा, इंटरव्यू में आज आपको लाभ होगा। जो लोग एग्जाम की तैयारियाँ कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपका जो पढ़ाई लिखाई है उसमें इस समय अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी सी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज गलत यानी कि खान पीन से बचना होगा, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी, गाड़ी वाहन से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। आज आपको अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा और आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अनसुलझे मुद्दे, साथ ही साथ कुछ नई प्लानिंग करेंगे, भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे। आज आपकी मुलाकात किसी भी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके लिए काफ़ी मदद कर सकता है और आज प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ उठना बैठना बना रहेगा। आज आपको यानी कि मानसिक परेशानियों से भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, गाड़ी वाहन का प्रयोग कम करें, दुर्घटना से बचना होगा आज के दिन। आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर हरा और भाग सातवीं बार आपका तकरीबन 92%। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।